ससुराल की पहली बारिश। हीना और विवेक की जोड़ी कॉलेज से साथ थी। वैसे तो उनके सब दोस्तों को लगता था कि कॉलेज के बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे, लेकिन उनका रिश्ता मजबूत बनता ही गया और कॉलेज के 5 साल बाद भी वो एक दूसरे के साथ है। ना ही साथ है लेकिन उनकी तो सगाई भी हो चुकी है और जल्दी ही शादी भी होने वाली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम विवेक के साथ हो अभी तक। साथ क्या, जल्दी ही इनकी शादी भी होने वाली है। हाँ तो मैंने कहा था ना, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। हाँ लेकिन कॉलेज में जितने भी कपल थे वो सारे अलग हो गए। हमें लगा था कि तुम दोनों भी ऐसे ही हो जाओगे। सच कहूँ तो हम सबको ऐसा लगा था कि तुम दोनों तो बस ऐसे ही हो। हाँ लेकिन अब तो मान गए ना कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। अब तो जल्दी ही हमारी शादी भी होने वाली है। वैसे शादी का क्या प्लान किया है? मैंने तो विवेक से कह दिया है कि मुझे जुलाई में ही शादी करनी है। क्या, जुलाई के महीने में? पर साथ में शादी करेगी तू? अरे पर क्यों, तुझे पता है बारिश में सब कुछ कितना गंदा हो जाता है। अरे तुम लोग बारिश को ऐसी नजर से देखते हो, मेरी नजर से देखो तो बारिश कितनी रोमांटिक होती है। सोचो जरा, विवेक और मैं बारिश में फेरे ले रहे हैं, शादी के बाद हम पहाड़ों में जाएंगे घूमने, वहां बारिश में हम दोनों मैंने तो यही सोचा कि मैं अपनी शादी बारिश में ही करूंगी। अच्छा लेकिन तेरा मेकअप? अरे मेकअप का क्या है, आजकल सब कुछ वाटरप्रूफ हो गया है। मैंने तो सोच लिया है कि हम शादी के बाद हनीमून पर पहाड़ों में जाएंगे। शादी के बाद जब हमारी पहली बारिश होगी, मैं विवेक के साथ होंगी, उसके घर में हम दोनों घर की छत पर साथ में जाएंगे, साथ में भीगेंगे, गर्मा गर्म चाय पियेंगे और एक लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। वाह वाह, लगता है हीना ने सब कुछ प्लान करके रखा है। लेकिन हम सब बारिश में तैयार होकर कैसे आएंगे? अरे कोई बात नहीं ना, हम शादी में बारातियों को बारिश में भीगने नहीं देंगे। विवेक और मैं फेरों के बाद बारिश में जाएंगे। वाह कितना रोमांटिक है ना। हाँ इन दोनों के फोटोज भी कितने अच्छे आएंगे ना। तभी तो मैं चाहती हूँ मेरी शादी बारिश में हो। ठीक है तो हमें भी तेरी शादी का अब इंतजार रहेगा। देखना मेरी शादी सबसे अलग होगी। हीना ने अपनी शादी को सच में जुलाई के महीने में रखवाया और उसने वो सब किया जो उसने सोचा था। बारिश में विवेक और हीना ने फोटोज खिंचवाए और फिर दोनों बारिश में ही फेरों के बाद लॉन्ग ड्राइव पर भी गए। हीना को सब कुछ इतना सुहाना लग रहा था, वो अपनी शादी से काफी खुश थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो गई बारिश में। सच में मैंने कहा था ना मजा आएगा। हाँ वो तो है, आज घर जाकर तुम्हारा स्वागत भी बढ़िया धूमधाम से होगा। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। हीना बारिश में शादी करने के लिए जितनी उत्साहित थी वो तो पूरा हो चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि ससुराल में उसका स्वागत इस बारिश की वजह से खराब हो जाएगा। अरे रे, आंगन में तो पानी भर गया है। पर मैं घर के अंदर कैसे जाऊं अब? अरे बहू, आंगन में पानी भर गया है तो तुझे तो ऐसे ही आना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। पर मेरा लहंगा मम्मी जी। अरे तुम दोनों को ही तो शौक था बारिश में शादी करने का, अब लहंगे को ऊपर ले ले और आ जा, चावल तो गिरा नहीं सकते, पानी में बह जाएंगे। चल अब ऐसे ही आ जा घर के अंदर। मैंने सोचा था आपके स्वागत में पटाखे फोड़ूंगा, लेकिन बारिश में तो सारे पटाखे ही खराब हो गए। आ नहीं तो क्या, अब तो फूल भी खराब हो गए। अब तुम दोनों ऐसे ही आ जाओ घर में, चलो। विवेक मेरा स्वागत। अब क्या कर सकते हैं ना, चलो घर के अंदर लहंगा ऊपर कर लो। बारिश ने ना सिर्फ हीना का गृह प्रवेश और स्वागत खराब कर दिया बल्कि उनका घूमने का प्लान भी बारिश की वजह से कैंसिल करना पड़ा। क्या, कैंसिल हो गई सारी फ्लाइट्स? हाँ बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है। मैंने कितनी तैयारी की थी हमारे हनीमून की, हम पहाड़ों में जाएंगे, बारिश में भीगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई बारिश इतनी हो रही है कि सब कुछ बंद हो गया है, इसलिए अब हमें इंतजार करना पड़ेगा अगले महीने का। ठीक है चलो कोई नहीं, हम यहाँ घर में रह के भी बारिश का मजा ले सकते हैं। हीना बहू जरा यहाँ आना, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। जी माँ जी अभी आई। बारिश की वजह से हीना और विवेक का घूमना तो कैंसिल हो चुका था, लेकिन पड़ोस की आंटियों ने उनका पीछा कहाँ छोड़ा था अभी तक। अरे आओ आओ नई बहू, हम दोनों यही पड़ोस में ही रहती हैं, सोचा कि नई बहू आई है मोहल्ले में तो जरा मिलाते हैं। हाँ अरे लीला तेरी नई बहू तो दिखने में काफी अच्छी है। वो तो है चांद, बिल्कुल चांद। आंटी जी आप लोग बैठिए ना, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ।
तुम बना लेती हो खाना? जी आंटी, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। तो एक काम करो, बारिश का मौसम भी है तो तुम पकौड़े ही बना दो हम सब के लिए। पकौड़े? क्यों, क्यों वो नहीं आते है क्या? नहीं नहीं आते हैं ना, बिल्कुल। मैं यहाँ इनके लिए पकौड़े बनाती रहूँगी और बारिश भी बंद हो जाएगी। मैं कब विवेक के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाऊँगी फिर? अच्छा सुनो बहू। जी आंटी। अलग अलग तरह के पकोड़े बनाना, ठीक है? प्याज के, टमाटर के, आलू के, मिर्ची के, हमें ना एक जैसे पकोड़े अच्छे नहीं लगते। जी आंटी जी, अभी बना कर लाती हूँ। और सुनो, अब पकोड़े बना ही रही हो तो साथ में चाय भी बना देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी, और कुछ आपको अगर खाना हो तो? अरे नहीं नहीं, बस साथ में पूरियाँ तो बनाओगी, इतना ज़्यादा हम नहीं खाते। जी आंटी। बाहर बारिश होती रही और हीना सबके लिए चाय और पकौड़े बनाती रह गई। उसका विवेक के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का सपना सपना ही रह गया। लेकिन दो दिन के बाद फिर से आज बारिश हो रही थी, जिसे देखकर हीना काफ़ी खुश हो गई। आज तो विवेक के साथ छत पर जाकर बारिश में भीगूंगी और चाय की चुस्की लूंगी। अभी रसोई में जाकर चाय बना लेती हूँ। अरे भाभी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गई, मेरे लिए भी चाय बना दीजिए। अरे हाँ, एक कप मेरे लिए भी रख देना। मैं खाने को कुछ है क्या? बारिश में ना भूख भी ज्यादा लगती है। अरे कोई बात नहीं, हीना कुछ गर्मा गर्म बना देगी। उस दिन उसने ना समोसे बढ़िया बनाए थे, वही बना दे बहू। क्या समोसे? क्या हुआ भाभी, आप मेरे लिए समोसे नहीं बनाएंगी क्या? अरे नहीं नहीं, बना देती हूँ ना। और मेरे लिए भी बना देना। अरे एक काम कर बेटा, सबके लिए ही बना दे। हाँ खाओ समोसे। पता नहीं मैं बारिश का मजा कब ले पाऊंगी। हीना की रोमांटिक बारिश अब जैसे परेशान करने वाली बारिश सी बन गई थी। कभी देखो तो छत पे कपड़े नहीं सूख रहे थे, कभी आंगन में पानी भर जाता तो उसे ही निकालना पड़ता। अरे इन कपड़ों में से तो सीलन की बदबू सी आ रही है। बारिश में कपड़े सूख ही नहीं रहे, क्या करें माँ जी। एक काम कर बहू, आज से ना ये भारी भारी कपड़े मत पहना कर, ये तो सूखते ही नहीं है। माँ जी मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं सज धज के रहूँगी, घर में मेहमान आएंगे तो मुझे तैयार होकर नई दुल्हन की तरह रहना चाहिए ना। तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बारिश में हमारे घर आएगा कौन? यहाँ तो गली के कुत्ते भी अंदर छुप गए। तो कल से ना ये भारी भारी कपड़े नहीं बल्कि हल्के फुल्के सूट पहना कर, जो जल्दी जल्दी सूख जाए। ठीक है। और ये ले, सारे कपड़ों को ना गर्मा गर्म इस्त्री घुमा दे, फिर इनमें से सीलन की बदबू चली जाएगी। इन सारे कपड़ों को? हाँ तभी तो सूखेंगे ना। और ये जो नहीं सूखे हैं ना, इन्हें तेरे कमरे की खिड़कियों पर डाल देना, सूख जाएंगे। और थोड़ी थोड़ी देर में ना उलट पलट करते रहना। हाँ बस यही काम तो है मेरे पास बारिश में करने के लिए, कपड़े सुखाओ, पकौड़े बनाओ और आंगन में से पानी निकालो। अब बारिश में शादी करने का शौक भी तो तुझे ही था ना बहू, ले लिया ना बारिश का मजा? हाँ ले लिया, मैंने क्यों की शादी बारिश में? अब तो हर साल मेरी शादी की सालगिरह भी बारिश में ही आएगी, जिसका मतलब है कि हर साल मैं यही करती रहूंगी। मुझे फिर से शादी करनी है। अरे भाई तुझे ही तो लेने थे ना ससुराल की पहली बरसात के मजे, तो ले ले और क्या। बहू की एस्ट्रोलॉजी सास को तो समझ में नहीं आती, लेकिन मोहल्ले वाले? अरे रमा जी, कहाँ है आपकी बहू रानी? बुलाइए ना, जरा पूछे कि बेटी को बेटा क्यों नहीं हो रहा। अरे खुद को उसे तो पता नहीं कि बेटा कब होगा, लेकिन आपको बड़ा भरोसा है जी। तभी रिया आ जाती है। अरे शर्मा आंटी आइए आइए, कैसे आना हुआ? अरे वो क्या है ना राधा, मेरी बेटी तीन बेटियों की माँ बन गई है, लेकिन बेटा नहीं हो रहा। फोन आया था उसका, बोल रही थी कि भाभी से पूछिए ना एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है। रुकिए मैं अभी लैपटॉप में देख कर बताती हूँ। लैपटॉप में देखकर भी बेटा पैदा हो जाता है क्या बहू? माँ जी आप भी ना, ग्रह नक्षत्र की चाल देखूंगी क्या कह रही है राधा के बारे में। हाँ हाँ बेटा देखना जरा। फिर बेल बजती है। हाँ जी आप कौन? मेरा नाम रवि है, मैं दूसरे मोहल्ले में रहता हूँ। मैंने सुना यहाँ कोई एस्ट्रोलॉजर रहता है। हाँ जी आ जाइए आप भी। माँ जी चाय ले आइए ना सभी के लिए। देखिए आंटी, आपकी बेटी के भाग्य में बेटा तो है, लेकिन 2 साल बाद। लेकिन इसकी तो पहली बेटी ही इतनी लक्की है कि नाम रोशन कर देगी।
पर हाँ, लड़का हुआ ना तो जीवन में दाग लग सकता है। दाग? कैसा दाग? जैसे वो किसी का खून कर दे या फिर चोर बन जाए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कहती है तीन लड़के के बाद होने वाला लड़का ना सुखी रहेगा ना रहने देगा। ओहो बहू, ये तो अच्छी बात बता दी तुमने, मैं अभी उसे फोन करके बता देती हूँ। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बहू। कोई बात नहीं। हाँ जी, आप कौन और यहाँ का पता किसने दिया? जी, नीरज नाम है मेरा, मेरा दोस्त है ना अजय। अच्छा अच्छा, अजय भैया के दोस्त हैं आप, बताइए ना। अब वो क्या है ना, आपने उनको जो डेट बताई थी उसी दिन उनकी नौकरी लगी, तो मैंने सोचा मैं भी आपसे पूछ लूँ कब तक नौकरी लगेगी। क्या है ना, 2 महीने से खाली बैठा हूँ। ओहो, ये बेरोजगारी भी ना, मैं भी शादी से पहले 2 साल खाली बैठी थी। कुछ था नहीं तो एस्ट्रोलॉजर का कोर्स कर लिया। वैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है बताओ तो। बहू लैपटॉप पर देखती है और फिर फुल कॉन्फिडेंस से कहती है, अरे तुम्हारे पास तो नौकरी है और तुम बोल रहे हो कि बेरोजगार हो, कैसे? अरे आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, लेकिन आपको कैसे पता चला? वो क्या है ना, मैं ये नौकरी बदलना चाहता हूँ। अरे तो ऐसे कहिए ना, देखिए नई नौकरी के संयोग इस साल तो नहीं है। लड़का वहाँ से चला जाता है। पास खड़ी सास कहती है, वाह बहू वाह, ये क्या लगा रखा है, तुझसे मिलने अब मोहल्ले के लड़के भी आएंगे। माँ जी, ये मेरा काम है। अरे वो अजय भैया के दोस्त थे। देख बहू, मैं साफ साफ कह देती हूँ, कल से तेरी दुकान यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। माँ जी, ये मेरा शौक है, मैं थोड़ा बहुत लोगों की मदद करती रहती हूँ तो मन लगा रहता है। लेकिन कहते हैं ना, सास के सामने किसी की नहीं चलती। मैं जानती थी ये विद्या मुझे बंद करनी ही पड़ेगी। अरे जब जानती थी तो क्यों टाइम बर्बाद कर रही थी? क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि आप ही मेरे इस काम को खुद शुरू करने के लिए कहेंगी। अरे बहू, कहीं पागल तो नहीं हो गई ना तू? मैं तुझे क्यों कहूंगी कि तू ये लोगों को पागल बनाने का काम कर। तभी डोरबेल बजती है और घर के अंदर एक महिला आती है और बहू से कहती है, अरे आप धन्य हैं, मैं तो कहती हूँ आप धरती पर भगवान का रूप है, ये लीजिए मिठाई। याने आपके पति की नौकरी लग गई? हाँ जी हाँ जी, और पहले से भी ना बहुत अच्छी लगी है। वो क्या है, हम लोग तो अब अमेरिका जा रहे हैं। सास दोनों को देखती रह जाती है। फिर उसके जाने के बाद, लीजिए खाइए, शुद्ध देसी घी की मिठाई है, 800 रुपए किलो, खाइए खाइए, अब तो आगे से वैसे भी खरीद कर खानी पड़ेगी। अरे मंजूर है, लेकिन तेरा यूं लोगों के बीच बकवास करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या पता किस दिन कौन सर पर चढ़ जाए। माँ जी, घर की मुर्गी दाल बराबर सुना था, लेकिन बहू की प्रतिभा को यूं कम आंकना ठीक नहीं है। अरे हाँ हाँ, सब ठीक है। रात को पति घर आता है। अरे रिया, कैसा रहा दिन, आज कितनों के भूत भविष्य संभालिया। अरे आपको नहीं पता, आपकी माँ ने मना कर दिया है। अरे क्यों भला, क्यों मना कर दिया माँ ने, इतना सही तो कर रही थी तुम। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ को लगता है कि मैं जो बोलती हूँ वो हवा में उड़ती बात होती है, उन्हें मेरी विद्या पर भरोसा ही नहीं है। तुम बात क्यों नहीं करते? मैं करता हूँ बात, दीदी चली जाए उसके बाद। क्या, दीदी आ रही है, कब, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे वो मैं ना भूल गया, माँ को बताया था, सॉरी। खैर, पति का सॉरी सुनना ही तो हर औरत का सपना होता है। तो कहानी में आगे। हाय रे माँ, यहाँ आकर ही सुकून मिलता है, नहीं तो जीवन में कितने टेंशन है। क्यों दीदी, क्या टेंशन है, माँ ने तो बताया कि आपकी जिंदगी में बड़े आयश हैं, सास ससुर सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं और जीजा जी भी। माँ, तूने भाभी को कभी बताया नहीं क्या? क्या क्या नहीं बताया? अरे कुछ नहीं, ये अपना लैपटॉप खोल कर ढोंगी बाबा बन जाएगी, अरे कुछ भी मत बोलना इसके आगे। छोड़िए दीदी आप माँ की बातों को, मुझे बताइए क्या समस्या है। सही कहा भाभी, मैं वैसे भी आप सास बहू के चक्कर में नहीं पड़ती। वो क्या है ना भाभी, अब तक कोई बच्चा नहीं होने के कारण
घर पर सभी परेशान रहते हैं और अब तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अरे बस इतनी सी बात? इतनी सी बात? देखा देखा इसकी हरकत। चलिए मैं बताती हूँ कि कब होगा बच्चा आपको। रिया फटाफट कंप्यूटर लेकर बैठ जाती है और फिर, दीदी अगले महीने आपको बच्चा कंसीव होगा और फरवरी में वो आपकी गोद में होगा। वो क्या है ना, बच्चे वाली लाइन आपकी अब बनी है। देखो बाबा पाखंडी नाथ ने क्या कहा, अब तो तू चिंता छोड़ ही दे। लेकिन ये क्या, बिल्कुल वैसा ही होता है। और फिर बच्चा होने के बाद? क्यों सासुमा, कौन सा महीना है? फरवरी बहू, सही कहा था तूने। जिसे 5 साल से बच्चा नहीं था, तूने तो सच भविष्यवाणी कर दी। अरे मान गए बहू। तभी बेटा आ जाता है मुंह लटकाए। अरे अब तुझे क्या हो गया, मामा बना है, खुश हो जा। माँ मेरी नौकरी छूट गई है अचानक से, समझ में नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा। उसकी चिंता ना कर। माँ क्या हो गया, वो बोल रहे हैं कि नौकरी छूट गई है और आप कह रहे हैं कि चिंता ना कर? हाँ क्योंकि तू है ना, कल से तेरा काम शुरू बहू। और अगले दिन घर के बाहर बोर्ड लगा रहता है, रिया एस्ट्रोलॉजी सेंटर, किसी भी तरह की हो समस्या, समाधान सिर्फ 1,000 रुपए में। माँ जी मैंने ये भी कहा था ना कि मेरे काम को आप ही वापस शुरू करवाएंगी।